Assalamualaikum guys, आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं यम्मी यम्मी पास्ता। एक बाउल हमने मैक्रोनी ले ली। सबसे पहले हम पानी को बॉईल करेंगे। इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। और इसमें ये अपना पास्ता डाल देंगे और फिर इसमें चम्मच चला देंगे। और 10 मिनट के लिए बॉईल कर देंगे। 10 मिनट बाद अपने पास्ते को फॉर्क से चेक कर लेंगे कि गल गया है। देखिए पूरी तरह गल गया। ठंडे पानी से इसे वॉश कर देंगे। फिर एक कढ़ाई में अपना ऑयल गरम करेंगे। एक चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। दो कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। वन पिंच टर्मरिक पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे कि पास्ते में भी है और चाट मसाले में भी नमक है। अब इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 2 चम्मच हम टमाटो केचप ऐड कर देंगे। 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता सॉस और इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी हम इसमें ये वाली सॉस भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये वाली सॉस ऑप्शनल है। और इसको हरा धनिया से गार्निश कर देंगे थोड़ा सा। अब हम इसे सर्व कर देंगे। यम्मी यम्मी पास्ता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।